भुक्टी स्टेडियम कोयटा से हम बराह रास्त आ रहे हैं और अब से चंद लम्हों के बाद यहां पर कोयटा ग्लैडिएटर्स सीएम बलोचिस्तान वीमन T20 क्रिकेट का आगाज़ हुआ चाहता है और ये पहला मैच है सिंध स्ट्राइकर्स बनाम बलोचिस्तान थंडर्स। होम टीम है इनवेरिक्स बलोचिस्तान थंडर्स की, जिसने टॉस जीतकर यहां काफ़ी गर्मी है लेकिन फिर भी पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। और सुबह और शाम के औकात में बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत का मौसम खासा अच्छा हो जाता है। सबाहत रशीद और ताहिर रशीद जो फॉर्मर फर्स्ट क्लास विकेट कीपर हैं वो इस मैच में अंपायरिंग के फराइज़ अंजाम देंगे। और ये टीम लाइनअप है सिंध स्ट्राइकर्स और बलोचिस्तान थंडर की, जवेरिया रऊफ, कायनत इम्तियाज, अमीन शमीम कैप्टन है, फरिया महमूद, सैयदा इंशरा असद, उमे हानी, नासरा सिंधु, महा मंसूर, हाफजा खालिद, खतीजा चिश्ती, अरीजा हसीब। जी हाँ, बलोचिस्तान की टीम में कई ऐसे नाम हैं जिन्हें आप पाकिस्तान के लिए खेलते हुए देख चुके हैं। नाहिदा के अलावा एमन अनवर जो फास्ट बॉलर हैं, नजीहा अलवी विकेट कीपर हैं और उमायमा सोहेल ये अच्छी बैटर हैं, गुलाम फातिमा ये लेग स्पिन बॉलिंग करती हैं, तो इरम जावेद ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बहुत अच्छी हार्ड हिटिंग बैटर हैं। ये खेल का पहला ओवर यहाँ पर शुरू हो रहा है। 3 अगस्त के दिन इस चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। तो पहली गेंद आ रही है इस चैंपियनशिप की मीडिया सेंटर एंड से, शफल करते हुए खेला इससे ऑफ साइड में, सिर्फ कोई फील्डर नहीं, 4 फील्डर ऑफ साइड में एक रन बचाने के लिए खड़े किए गए। पुश किया इसको कवर की तरफ, बहुत ही अच्छा शॉट, गैप में कवर्स के फील्डर जो थे रोकने में नाकाम और इस तरह यहां पर पहली बाउंड्री हासिल हुई है। ताहिर रशीद का इशारा 4 रन के लिए। यह 4 फील्डर्स थी स्क्वायर के सामने लेकिन इसे बड़ी खूबसूरती से टाइम किया, इंतजार किया गेंद के टिपा पड़ने का और ये देखिए दोनों फील्डर्स के दरमियान फासला ना होने के बराबर था, कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान ये जो गैप ढूंढ निकाला। इस बार रनआउट का मौका, विकेट कीपर के हाथ में गेंद नहीं आई, हालांकि बर वक्त थ्रो फेंक दी गई थी और ये बराबर मौका था रनआउट करने का। एमन अनवर अपनी बॉलिंग जारी रखेंगी, इनका दूसरा ओवर है, ये नायब कप्तान भी हैं बलोचिस्तान की टीम की और ये पहला उठता हुआ शॉट आसानी के साथ इसे बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। पहला छक्का कोयटा ग्लैडिएटर्स सीएम बलोचिस्तान वीमन टूर्नामेंट का पहला छक्का लगाने में कामयाब हुई है, आउटस्टैंडिंग टाइमिंग। भुक्टी स्टेडियम कोयटा में सिंध स्ट्राइकर्स का स्कोर 19 है किसी विकेट के नुकसान के बगैर और यहां सानिया खान अपनी बॉलिंग जारी रखेंगी पवेलियन एंड से। इससे पहले ने एक ओवर किया था उसमें सिर्फ 3 रन दिए थे, दाएं हाथ की ये पेसर हैं। बड़ा शानदार शॉट बैक फुट पर विड्थ मिली और उसका खूब यहां पर फायदा उठाया जवेरिया रऊफ ने, तो अपनी स्ट्रेंथ को बैक कर रही है अभी तक। पहला बैक फुट पर, ये फ्रंट फुट पर, नतीजा वही काबिले तारीफ टाइमिंग और प्लेसमेंट। अच्छी गेंद नहीं थी और रन आउट, तो वापस पलटने का विकेट कीपर अलवी ने बिल्कुल मौका नहीं दिया और जाहिर है कि ये रन नहीं था क्योंकि गेंद विकेट कीपर की पहुंच में थी। अननेसेसरी, यहाँ पर विकेट कीपर के पास ही था बॉल और उन्होंने बड़ा अच्छा उसको रोक भी लिया था, तो बहुत अच्छा नो किया था। खदीजा चिश्ती 8 रन बनाने के बाद आउट हुई 28 पर 1। बहुत अच्छा बॉल, ऑन्स की तरफ खेलने चली गई, गेंद हल्का सा बाहर की तरफ गया और ऑफ स्टंप को लाके हिट हुआ, तो यहां पर दूसरा नुकसान उठाना पड़ा। लेग साइड में खेलने की कोशिश में ये ओपनिंग बैटर अपनी विकेट से गई। That was flighted very generous
Lee and accepted by the batter, who swept it past the sweep fielder and boundary of the first ball. Another spinner comes into the attack. Beautifully cut away, late cut, and the fielder's not going to get there. Four runs. Yes, a delicate shot. And in the gap, four runs. Oh, poor fielding. Poor fielding. Four runs. That should have been stopped. Not a great effort there by the short fine leg fielder, allowing the ball to cross the boundary and wasting the effort of the bowler, who bowled pretty well and just eased a bit of pressure on both the batsmen, who were struggling to get the ball away. यहाँ पर गुलाम फातिमा बॉलिंग कर रही हैं आपके सामने, उनके साथ सुनामा सुहेल, और एक और टर्निंग डिलीवरी और स्टंप की अपील की विकेट कीपर ने. इतना बड़ा टूर्नामेंट है, आपको हर चीज सही तरीके से करनी होगी. और ये देखिए, बहुत ही शानदार ग्लव, बहुत तेजी से उनके हाथ जो है वो विकेट की तरफ आए, और शायद इसी वजह से वो जो एक सेकंड का जो एडवांटेज मिला है विकेट कीपर को, उसी वजह से शायद ये विकेट लेने में कामयाब हो जाएंगे. और उसकी तस्दीक हो गई है, वापस जाना होगा. टीवी अंपायर ने आउट करार दिया है. बड़ी विकेट, कायनात इम्तियाज ऑलराउंड क्रिकेटर है, यहाँ पे स्टंप हुई है, और एक बड़ी विकेट मैं कहूँगा इस सिचुएशन में बलूचिस्तान के लिए. जब स्पिनर्स को बाउंस के साथ स्पिन मिले तो वो बहुत खतरनाक हो जाते हैं. ये अच्छी गेंद नहीं थी, ये चली है बाउंड्री लाइन की जाने, और चार रन्स मिल जाएंगे. ऐसा नहीं किया, और ये पॉइंट की फील्डर को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था. उनको सीधी आती हुई गेंद से उन्होंने नजरें हटा ली और बाउंड्री कंसीड की. Sania Khan comes into the attack again. This one heaved towards the leg side, going and gone for four. Yeah, a very loose delivery. Full pass. For two and another misfield. We've seen this time and again. It's gone to the boundary. Another misfield. Had the legs to travel till the boundary, and then from there a safe passage given to the ball by the fielder. And I think most of the clap that we saw from the Sindh contingent was for the fielder over there. Cut away, this one between the fielders, and this will definitely reach the boundary. Four more. As soon as we see some pace on the ball, the batter is easily just rocked back and cut it through point for four. We have to wait and watch. Heave towards the leg side, and that's the first of them. Four runs. There is one, and you might be saying to yourself, should have asked for something else. But I absolutely agree with you. They are absolutely 20-30 runs short on this one. Final delivery, cut away, and a diving effort there. Good effort. Single run. They're going to run back for the second, and here's going to be a run route. Oh, well. Again, I said it too early. I think we were talking about the tired batter. I thought the fielding side looked tired on this last delivery. So 108 it is for Sindh Strikers at the end of their allotted 20 overs. We'll have to see how Balochistan respond. But certainly, the Balochistan captain has been the shining captain of the day. She utilized her spinners who bowled glowing spells. And definitely, she was proactive. She saw the batters struggling to get the spinners away. And she even brought her spinners back in the last few overs. And clearly, the batters were not comfortable, not able to time the ball well. But had nothing to do with the pitch, because a lot of them were full tosses. Balochistan Thunders need 109 runs to win. We'll join you in the second innings. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ek martaba phir aapko khush aamadeed karte hain Bukti Stadium Quetta se, jisme pehla match khela ja raha hai Quetta Gladiators CM Balochistan Women's T20 कप में. बलोचिस्तान थंडर्स को 109 रन दरकार हैं
20 ओवर्स के अंदर, और कहना होगा कि वो काफ़ी खुश होंगे अपनी फर्स्ट इनिंग्स की परफॉर्मेंस से। अच्छा स्ट्रोर पे उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया सिंध स्ट्राइकर्स को, स्पिन से इंट्रोड्यूस करेंगी पवेलियन एंड से, और उनका सामना करेंगी कप्तान नहीदा खान। बहुत ही अच्छा बॉल लूप के साथ किया था, पहला बॉल पड़ने के बाद हल्का सा गेंद बाहर निकला, तो कप्तान का कप्तान से मुकाबला। चलो, अच्छा ड्राइव किया इस फ्लैशी डिलीवरी को, और एक बहुत अच्छी फील्डिंग एफर्ट कवर रीजन की जानिब से। बिल्कुल आगे इस दफा बॉल मिल गया था। लाउड अपील, अंपायर की उंगली बुलंद हुई फिजा में, और पहली कामयाबी हासिल की सिंध स्ट्राइकर्स ने 7-1 दूसरे ओवर के इख्तिताम पर। जी हाँ, ये पहला नुकसान उठाना पड़ा बलूचिस्तान की टीम को। ऑफ स्टंप की गिरा हुआ बॉल था, एज हुआ और सीधा विकेट कीपर के पास, ताहिर रशीद, पहला नुकसान उठाना पड़ा और ओवर का इख्तिताम भी हुआ 7-1 विकेट के नुकसान पर। में से इस दफा थोड़ा था लेग स्टंप पे गिरा हुआ बॉल था, स्वीप किया है और अच्छा स्वीप, क्योंकि स्क्वायर लेग पे कोई फील्डर नहीं है और उसका फायदा उठाया, थोड़ी सी ऑफलाइन हुई जिसका फायदा उठाया बैटर ने, और अच्छा स्वीप खेला और 4 रन यहां पर हासिल किए। 4 रन मिले इस दफा फाइन लेग रीजन की जानिब से, और ओवर पिच बॉल था, उठा के खेला मिड ऑफ की तरफ, फील्डर गेंद के नीचे और एक और विकेट ले लिया है, और इस पिछले ओवर में भी एक खिलाड़ी को आउट किया था, और यहां पर भी पहली बॉल पे आगे पिच हुआ था, बॉल बड़ी हिट लगाने गई थी मिड ऑफ के ऊपर से, लेकिन बैट के निचले हिस्से पे लगा और सीधा मिड ऑफ के फील्डर के पास, एक आसान कैच, इस तरह दूसरा नुकसान उठाना पड़ गया। या एलिवेशन नहीं मिली उन्हें शॉट पर, हाथ में बैट टर्न हो गया, 14 स्कोर पर दूसरी विकेट गंवा दी उन्होंने पहले ही गेंद पर चौथे ओवर की, और एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है ऐसे है जैसे कोशिश कर रहे हैं कि कुछ रन्स बटोर सकें पावर प्ले के अंदर। Yes, a shorter one this time, which has been pulled towards mid wicket. 3 fielders are behind the ball, and the ball wins the race. It's a 4, so a good start for Balochistan now, getting along. The pressure is definitely on Ali Arya. Oh, that one's edge towards third man. This might run away for 4. Yes, it does. So a welcome boundary for Kainath Imza. The second one of this over. So expensive over for Kainath and Sindh Strikers. Yeah. The next drive, it's been driven through the gap. No chance for the fielder. Third boundary of this over. So a very expensive over. The last one of the power play ending with a boundary. The next delivery has been played towards square leg. This will have to wait for the umpire's decision. It's a brilliant shot. It has cleared the boundary easily. It reminds me of Glenn Maxwell, the way she just moved towards her off stump, exposing all three from behind and then hitting the ball out of the park. Great shot. 6 runs. And the next delivery, a flatter delivery, which has been played towards extra for cover for another boundary. So a 6 to follow with the follow-up with the boundary by Balochistan batters. So their runs are coming thick and fast for Balochistan now. This partnership is so important for Balochistan. Again, shuffled across. Beautiful shot. Over square leg boundary for a huge 6. So excellent partnership growing for Balochistan. Yes, Maxwell again. The kind of shots that we see on display from him are being shown here by the Balochistan batter, and she is very confident. What a great shiny stroke over square leg for another 6. Yes, they say karo chance is shine shot. That was a brilliant shot, shuffled across. She knew that's gonna be as if she knew that where the ball will be pitching, and exactly just deposited over that square leg fielder, which is the key to hitting the ball long. Another big shot, this time another 6 over mid wicket. Another great extension of the arms on display. Top batting this by the Balochistan batter. 3 sixes in the over. The total goes to 63 for 2 at the end of 8 overs. The batters, they have come up with different mindset. They are ready to attack.
and they're ready to play fearlessly. There we see this time another edge going down behind the keeper for another boundary. Luck favoring the brave, as you just mentioning the intent. So when you have got a clear intent, the edges also go your way. इस तरह जल्दी मैचेस हार जाते हैं और बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रही हैं इरम जावेद. उन्होंने पहले तीन छक्के एक ओवर में लगाए और इस बार बाउंड्री लगा दी सामने की जाने. इरम जावेद ऑन फायर, जबरदस्त बैटिंग करती हुई और कोशिश है कि जल्द से जल्द ये रन्स को चेस कर जाएं. और यहाँ ये स्टंप आउट हो गई. खासा वक्त मिल गया था विकेट कीपर को, वापस पलटने का मौका नहीं. हुमायमा सुहेल आउट हुई बिलाखिर स्पिनर के खिलाफ ही. अक्रॉस द लाइन खेल गए, थोड़ा सा पीछे गिरा था और लेकिन हॉरिजॉन्टल शॉट खेलने की कोशिश की काफ़ी बार और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की स्टंप करने में. होता है रशीद ने को आउट करार दिया. तो इस तरह हुमायमा 22 रन बनाने के बाद आउट हुए 79/3. अकबर बुट्टी स्टेडियम है जहां पर मुझे याद है इंटरनेशनल मैच भी हुआ था 1996 में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला. ऐसे स्क्वायर लेग की जानी बाउंड्री पर कोई फील्डर नहीं, चार रन्स. सफा फिर एक दफा उठा के खेलने में कामयाब हुए हैं. फील्डर बॉल के नीचे और आउट. मिड विकेट पे खेलने खेला था, स्क्वायर की तरफ खेलना चाहती थी. यही प्रेशर पड़ा, देखें नई आने वाली बैटर ने उनके ऊपर जिस तरह प्रेशर डाला, ऐसी बैट शॉट ऐसे मौके पर उनको लगानी पड़ गई और यहां पर एक नुकसान उठाना पड़ गया बलूचिस्तान की टीम को. देखें स्क्वायर की तरफ खेलना चाहती थी लेकिन गेंद सीधा मिड विकेट की तरफ गया. वहाँ पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की कैच पकड़ने में. तो इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा है बलूचिस्तान की टीम को. इरम जावेद 51 रन बनाने के बाद आउट हुए 89/4. एंड नाउ देयर जस्ट 12 रन्स मोर रन्स टू विन. द नेक्स्ट डिलीवरी अगेन इट इज बीन स्वेट ब्यूटीफुली टुवर्ड्स दैट फाइन लेग फील्डर. देयर इज नो फील्डर, द फील्डर फ्रॉम स्क्वायर लेग विल हैव टू डू ऑल द रनिंग टुवर्ड्स दैट फाइन लेग. टू मोर रन्स एडेड टू द टोटल 10 नाउ मोर रन्स टू रिक्वायर 9 इन फैक्ट नाउ मोर रन्स टू विन. Yes, the batter did really well over there. She moved towards offside and then got inside line of the ball and placed the ball beautifully towards fine leg where was the whole of the region was vacant. Next delivery is in play towards the gap. There is no fielder, will run away for four. So this is the end of the match. Balochistan winning it with from 6 wickets with 19 balls to go. There it is. Easy victory for Balochistan. They've fully deserved this. They've bowled well. Their captain making good decisions, making the right call after winning the toss, then opting to bowl and giving the spinners a full quota of their overs, allowing them to cause the destruction. They didn't allow any runs and the intentions and the lack of intent of the Sindh players didn't help them because they only lost 3 wickets, which has no justification if you bat for like 12 overs in a T20 game and you're batting below the strike rate of 100, you have yourself to blame. Absolutely, Sindh strikers will have to do a lot of work. They'll have to do a lot of thinking for the next match because they were clearly behind in this game in almost all the departments. If you talk about fielding, batting, even the spin department, yes, they were lacking. We still have the match summary in front of us. And the Sindh strikers, Hafsa Khalid, yes, she scored 41 not out, but that took her a lot of balls, nearly half of the innings to get those runs. And they were not useful in the end for the team. Jhaveria Rao getting a quick 20 and then getting out. She looked good, but could not carry on for a bigger innings. Fariha Mahmood, another one of the two who played for like, who was present on the pitch for like 10 overs, but she only got 19 runs. Balochistan, on the other hand, were very positive from the outset.